नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें हमारे एक स्वस्थ शरीर के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और उन्हीं में से एक है विटामिन्स। और दोस्तों, जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, बट उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसको कि विटामिन B12 कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है यानी क्या फंक्शंस है, और इसकी कमी के क्या कारण है, और अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो उसका क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आएंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको इस तरह की कोई तरह के विटामिन B12 से रिलेटेड जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक ऊपर दे देता हूँ, वो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स है, क्या ऐसे खाने के सोर्सेज है यानी प्राकृतिक रूप से किस तरह से आप विटामिन B12 को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले शॉर्ट में मैं समराइज करूं जो लोग वो उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए कि विटामिन B12 आपके लिए क्या है। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, विटामिन B12 जो है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होता, यानी इसको आपको रेगुलर लेना होता है। और एक्सेस ऑफ विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल होने के कारण आपकी बॉडी से आपके यूरिन यानी आप जो पेशाब करते हैं उसके साथ बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इसके मेन फंक्शंस जो मैं आपके साथ यहां अगर 4-5 शेयर करूं, हालांकि ब्रीफ के लिए जैसा मैंने बताया आपको वो वीडियो देखना है, बट मेन जो इसके फंक्शन है आपके शरीर में वो बताना चाहूं तो सबसे पहली बात कि विटामिन B12 आपके शरीर के अंदर RBC यानी रेड ब्लड सेल्स बनाता है जिसके कारण आपको खून की कमी नहीं होती या एनीमिया नहीं हो पाता। दोस्तों, उसी तरह से ये आपकी ब्रेन की यानी हमारे मस्तिष्क की अच्छी तरह फंक्शनिंग के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी कमी के कारण आपको कई तरह की मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है जैसे डिप्रेशन होना, याददाश्त कम होना, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। दोस्तों, विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और अगर विटामिन B12 की कमी होने लगती है तो आपको कई तरह की नर्वस सिस्टम की डिजीज या बीमारी हो सकती है जैसे अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसंस, MS या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और इसी के साथ दोस्तों, विटामिन B12 आपकी बॉडी की जनरल हेल्थ, एनर्जी, मसल पावर और आपको स्टेमिना देने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो किस प्रकार आपको ऐसे कौन कौन से फूड के सोर्सेज हैं, खाने पीने में ऐसे कौन कौन से जो है चीजें हैं जिनको आप अगर अपने खाने में शामिल करते हैं तो आप विटामिन B12 को घर पे ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम खाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, एक तो वेजिटेरियन फूड यानी शाकाहारी भोजन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें आप जो है नॉन वेज यानी कि आप मांसाहार भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की यानी शाकाहार के अंदर ऐसा कौन कौन सा फूड आइटम्स है जिनको खाने से आपको विटामिन B12 की शरीर में कमी नहीं होगी, और अगर कमी होगी तो इनको आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वेजिटेरियन फूड्स की जब बात कर रहे हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेजिटेरियन फूड्स है इसके अंदर बहुत ही कम ऐसे भोजन के अंदर चीजें हैं जिसमें कि विटामिन B12 पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां अच्छी बात यह है कि जो विटामिन B12 का जो सबसे रिच सोर्स यानी ऐसा जो सोर्स जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 मिलता है वो हर घर में अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिल्क यानी दूध यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बने जो पदार्थ है ये विटामिन B12 के बहुत ही अच्छे सोर्स है। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम दूध पीना शुरू करते हैं और लाइफ लॉन्ग दूध हमारे हर घर के अंदर फ्रीली अवेलेबल होता है और हर जगह अवेलेबल है। तो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको कह रहा था कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बने पदार्थ इनको आपको खूब लेना चाहिए अगर आप खूब दूध पी रहे हैं। इसी तरह से दूध से बनी हुई चीजों की हम बात करें दोस्तों, जैसे योगर्ट यानी अगर आप दही ले रहे हैं, आप पनीर ले रहे हैं, आप चीज ले रहे हैं, ये सारी चीजें जब आप खूब ले रहे हैं तो आप में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है खाने के अंदर बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट फूड आइटम की हम बात करें जो विटामिन B12 का रिच सोर्स है तो ये कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं जो कि आजकल मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो कॉर्नफ्लेक्स। दोस्तों, ये जो है कॉर्नफ्लेक्स इनके अंदर विटामिन B12 को काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन B12 का जो ये सोर्स है कॉर्नफ्लेक्स, दोस्तों इसको आप मिल्क यानी दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो जो दूध है वो भी एक रिच सोर्स है विटामिन B12 का और आपके जो कॉर्नफ्लेक्स है ये भी रिच सोर्स है, यानी आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर जो मिल्क है दूध के साथ अगर कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं तो आपकी बॉडी को काफी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 रेगुलर मिलने लगेगा। दोस्तों, उसी तरह से जो मशरूम है ये भी एक विटामिन B12 का अच्छा सोर्स माना जाता है, यानी अगर आपको मशरूम भी है अपने फूड के अंदर शामिल करना चाहिए अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो। दोस्तों, उसी तरह से कुछ सोया प्रोडक्ट्स हैं उनको भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स माना गया है। जैसे हम पर्टिकुलरली बात करें तो
में सोय मिल्क या टोफू, इनके अंदर भी विटामिन बी12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये कुछ मेन फूड सप्लीमेंट्स थे जिनके अंदर की विटामिन बी12 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आपने देखा कि ये सिर्फ 3-4 फूड आइटम्स ही है वेजिटेरियन के पास में जिनमें की विटामिन बी12 अच्छी मात्रा में मिलता है। ये कम है फूड आइटम्स, यानी वैरायटी इसमें कम है, लेकिन अच्छी बात दोस्तों सबसे बड़ा जो फूड आइटम जो सोर्स है विटामिन बी12 का वेजिटेरियंस के लिए वो है मिल्क, यानी दूध और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स। जिस तरह हर घर के अंदर आपको दूध मिलेगा, दही भी मिलेगा, आप पनीर भी ले सकते हैं, चीज भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल फूड आइटम्स है। तो आप इनको खूब क्वांटिटी में खाएं जिससे कि आपकी बॉडी में बी12 की दूसरी कमी नहीं हो। इसी के साथ में दूसरे फूड आइटम्स है इनको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नॉनवेज में कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि विटामिन बी12 के अच्छे सोर्स हैं। दोस्तों नॉनवेज की हम बात करें तो फिश यानी मछली जो है ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि विटामिन बी12 का अच्छा सप्लीमेंट माना गया है। उसी के अंदर दोस्तों कुछ एग्जांपल लूं तो जैसे टूना फिश है, सालमन फिश है, सेलफिश है, इसी तरह से और कुछ दूसरी जो सी फूड्स है इनको भी विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स माना गया है। दोस्तों मीट को भी जो है विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स माना गया है। इसी तरह से एग या अंडा है ये भी एक विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स गया। दोस्तों चिकन को भी जो है विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स माना गया। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कौन-कौन से फूड आइटम्स जो कि शाकाहारी या वेजिटेरियंस में अच्छे फूड सोर्स हैं विटामिन बी12 के और नॉनवेज के अंदर। दोस्तों ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं और इनको अगर आप रेगुलर डाइट में रखेंगे तो बी12 की कमी भी नहीं होगी, और अगर कमी हो गई है तो इनको आप अपने फूड में ज्यादा लें जिससे आप इसकी जो कमी को दूर कर सके। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस बताता हूं जो कि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी को दूर करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों ये बायोकेमिक मेडिसिंस है। पहली मेडिसिंस है कालीम्यूर 6X। दोस्तों कालीम्यूर 6X को आपको 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नेट फोस 3X, इसको भी हमें 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों ये दो बायोकेमिक मेडिसिंस है जो विटामिन बी12 की डिफिशियंसी को दूर करने के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिंस आप समझ सकते हैं एज ए सप्लीमेंट जो आपकी विटामिन बी12 की डिफिशियंसी को दूर करने में मदद करेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने विटामिन बी12 की डिफिशियंसी के ऊपर आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।